अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। पहले लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये दो लफ्जों से निकला है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस टू स्टडी। उसके लफ्जी मानी से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजी एक साइंस की ऐसी शाख है जिसके अंदर हम लाइफ को स्टडी करेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। अगर हम स्टडी ऑफ लाइफ कह रहे हैं एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, देन व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज लाइफ, लाइफ एक्चुअली होती क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह कुकिंग होता है खाना पकाना और कुक होता है खाना पकाने वाला, इसी तरह बायोलॉजी किसी चीज़ की स्टडी है तो इसको स्टडी करने वाले जो होते हैं उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिस्ट का। बायोलॉजिस्ट एक ऐसा शख्स जो जिंदगी को स्टडी करता है, पर्सन हु स्टडी लाइफ। इसके अलावा ये लाइफ को तो स्टडी करते ही हैं, इसके अलावा ये उन नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो लिविंग थिंग्स के ऊपर किसी ना किसी तरह असरअंदाज होते हैं। स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट लिविंग थिंग्स इन एनी वे, किसी भी तरह अगर वो लिविंग थिंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं हम उनको भी इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर एक जानदार के ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब बार बार हम बात करें लाइफ लाइफ लाइफ, तो लाइफ होता क्या है, लाइफ कहाँ से आई, लाइफ है क्यों, ये आंसर्स बायोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फिलोसोफर्स जो फलसफी होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो थियोलॉजियंस जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं, ये उन पे छोड़ दिया गया है कि वही इसका जवाब दें। लेकिन लाइफ एक्चुअली होता क्या है, लाइफ को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, लाइफ को हम डिफाइन करते हैं कि लाइफ ऐसी खसूसियात का एक मजमूआ है जो कि जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से अलग करता है। लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ये एक ऐसी खसूसियात का इकट है जो लिविंग थिंग्स को, जानदार चीज़ों को नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ों से अलग करता है, उसको सेपरेट करता है। अब हमने यहाँ पे बात की है इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कौन से सेट हैं, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिनके इकट को हम लाइफ का नाम देते हैं कि ये जिंदगी है। हम वो करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बिना पे हम इसको लाइफ कहते हैं, और कोई भी लिविंग थिंग होती है जिसके अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। सो हम इन सब करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो करेक्टर आता है दैट इज देयर बॉडीज। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे हाईली कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही पेचीदा होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही तरतीब में ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा पेचीदा और तरतीब में होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं। दूसरे करेक्टर की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो आपके पास आता है देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हमने बात की है तरतीब की, तो इसमें हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके पास उसके यूनिक का मतलब ही वन के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, और इसमें एग्जांपल आती है आपके पास बैक्टीरिया की। अगर हम
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी का मतलब ही ज्यादा होता है मैनी. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू सेल्स. एग्जाम्पल आती है आपके पास एनिमल्स और प्लांट्स. एनिमल और प्लांट्स बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं. ये आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये आपके पास होगी ऑर्गेनाइजेशन. दो करेक्टर हैं, एक है उनकी बॉडीज के बारे में और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह के उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं. देन हम डिस्कस करते हैं इनके अंदर जो इनके एटीपी है. एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दैट इज द एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी के अंदर. ये एनर्जी करेंसी है एटीपी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे हम कोई काम करते हैं, जाहिर है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. इवन हम फूड कंज्यूम भी अगर कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम भी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. सो दे जनरेट एंड यूज एनर्जी.